시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝 커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. Hello friend, welcome to my channel. मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की जिंदगी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो हैप्पी नागपंचमी, हैप्पी नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे तरफ से। तो फिर मैं बता दूं, हमारे यहाँ यानी हमारे ससुराल में बहुत अच्छे से मनाया जाता है नागपंचमी। और हमारी मायके में ये व्रत नहीं होता था, यानी यह पर्व नहीं मनता था। तो एवरीवन, इसको हम व्रत बोल दिए। हमारे यहाँ क्या होता है, ये पूजा होता है, जो पंडित जी होते हैं वो आते हैं घर में, और एक दो दिन पहले लावा जो धान की होता है उसको लावा बनता है, और लावा और दूध और अच्छे से जो साफ़ सुथरा होता है ना गुड़, तो वही जो पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ नहीं, पुरोहित जी आते हैं, तो पूरे घर में पूरे जगह जितने हमारा घर है या जैसे कि दलान होता है, मालगुरु जहाँ रहता है वहाँ, और जो एक एक जगह हम छूटना नहीं चाहिए, वहाँ जाकर जो लावा दूध होता है वो यानी छिड़कते हैं, हर जगह डालते हैं नाग देवता के अपना नाम से। तो हमारे यहाँ नाग देवता में निर्भय बाबा, तो हमारे यहाँ कुछ भी पूजा होता है नाग देवता के तो निर्भय बाबा के नाम से होता है। और यहाँ हमारे पास में ही निर्भय बाबा का मंदिर है, तो वहाँ दोपहर में हमारे घर से चावल और जो होता है हवन सामग्री वाला चीज़, तो हवन के लिए और कुछ दक्षिणा लेकर हमारे घर की कोई भी सदस्य चाहे आसपास के भी लोग जाते हैं तो उन लोगों को दे दिया जाता है वहाँ चढ़ाने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के जो ये व्रत होता है या पर्व ये होता है एवरीवन। और जब मैं मायके में थी ये सब नहीं होता था, मैं कुछ नहीं जानती थी। ऐसे जैसे कि हमारे दीदी की कहीं कहीं शादी जहाँ हुआ है वहाँ किसी किसी घर बनता है, किसी घर नहीं भी बनता है, तो हमारे ससुराल में चीज़ बनता है। तो आज हम देखिए आज साड़ी पहनी हुई हूँ, और ये तो हल्की सी साड़ी पहनी, अभी अभी कुछ देर पहले मैं दूसरा साड़ी पहनी थी, गई थी यानी शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए एवरीवन। और बता दिए एवरीवन, अभी तो मैं इतनी दुखी थी कि क्या बताऊं, आज तो व्रत है यानी पर्व है तो करना है, तो कर रहे हैं। हमारे जो काऊ है अभी तक वो खड़ी नहीं हुई, और उसका जो लास्ट समय है लगता है ना कि वो अब वो नहीं बच पाई एवरीवन। हम लोग बहुत कोशिश की उसको बचाने के लिए पर अभी नहीं बच पाई, लगता कि अभी तो उसकी हुकूकी चल रहा है, लेकिन डॉक्टर उसको मना कर दिया कभी इसको इलाज मत कीजिए, और जो भगवान की जिस समय उसकी इच्छा होगी उस समय उसको कल्याण करेंगे। क्या करें एवरीवन, सब में तो जो जीव होता है नहीं प्राण होता है, इंसान हो या जानवर हो, सब में तो बराबर होता है, बस यही इतना का फर्क होता है कि मानव के अंदर ज्ञान होता है, उस सब के अंदर ज्ञान होता है, लेकिन हमारे पास एक दिमाग होता है जो कि हम एक दुनिया को वो भी एक दूसरे को समझती है, लेकिन जितना मानव तन में हम समझते हैं उतना यानी जानवर लोग नहीं समझ पाते हैं, बस यही कितना का फर्क है, लेकिन जी तो सब में बराबर होता है। रात से ही हमारे पूरे फैमिली हम लोग परेशान है, एवरीवन पूरे फैमिली परेशान है, रात भर सोए नहीं हैं, और उठ उठ कर जा जाकर जो हमारे ससुर जी हैं वो भी जा जाकर देख रहे थे, हमारे हस्बैंड हैं वो भी, जैसे कि हमारे घर से कुछ दूरी पर है उसका जो जगह जो काव है रहती है वो तो मेरे दरवाजे पर रहती थी, अभी स्वस्थ है ठीक है, अभी इसको भी हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं एवरीवन। देखिए हम लोग का भाग्य खराब है, जब से हम गांव पर आए हैं 21 साल बाद गांव पर आई हूँ एवरीवन, 21 साल मैं प्रदेश में रही हूँ, यानी प्रदेश यानी बाहर घर से अपने दूर रही हूँ 100 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन हमने गाँव में बहुत कम आते थे, और 1 साल से हम यहाँ पर आए हैं, बहुत ही हमारे साथ समस्या हुई, इतना समस्या हुआ कि मैंने मत पूछी, अपने वीडियो में दिखाई हूँ। पहले हमारे हस्बैंड की तबीयत खराब हुआ, हस्बैंड की इतना तबीयत खराब हुआ, आप सब देखे होंगे हमारे पीछे वीडियो में कि मैं उनको लेकर कितना परेशान थी, और उससे उनसे परेशानी से जैसे ही हम निपटे तो देखिए हमारे घर की जो काऊ है उसमें हम लगे हुए हैं। तो ले चलती हूँ ब्लॉग में और कुछ दिखाती हूँ आप सबको। देखिए ये हो गया लावा, और ये धान का लावा है और गुड़ है, इसमें दूध है, इसको मिक्स कर दिया गया है, घर में दिखाई दे रहा होगा इसी तरह पूरे घर में, हमारे यहाँ इसको पूरे घर में इसको छिड़काव हुआ है, वो भी पंडित जी किए हुए हैं, और देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है, एक भी जगह नहीं छूटना चाहिए, जो नाग देवता का नाम से हर जगह डाला जाता है, जो देवता लोग होते हैं वहाँ भी और अन्य जगह भी डाला जाता है। तो देखिए यहाँ हमारी बेटी राखी भेजी है अपने भाई के लिए, बोलते हैं ना कि भाई बहन का प्यार होता है तो लाखों कोसों दूर रहते हैं, पर प्यार जब रहता है तो हम किसी तरह वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो देखिए मेरी बेटी मेरे यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है, पर ऑनलाइन वहीं से राखी कर दी है, और ये देखिए चांदी का ये सिक्का हो गया, और रोटरी इसमें है और अक्षत है,
और दो राखी हरदम शुरू से ही मेरे बच्चे को दो राखी बांधती है, उसका यही भाई है, पर शुरू से ही जब से मेरा लड़का पैदा हुआ तब से वो दो राखी बांधती है। और देखिए ये जो है जो पिस्ता बादाम होता है ना उसका ये चॉकलेट उसको लिए भेजी है, और इसका जो प्राइस है शायद 150 रुपये के पड़ा है मात्र, इस लगता है कि ये 10 गो है, और ये उसके लिए भेजी है वहीं से ऑनलाइन कर दी थी। और ये चांदी का सिक्का हो गया इसमें दिया गया है, और यही तो होता है भाई बहन का प्यार, कहीं भी रहे जहाँ रहे वहाँ से हम अपने भाई के लिए, कहीं भी कितना भी लड़की बुढ़ी हो जाती हैं लेकिन एक ममता होता है ना, तो लक्ष्मी जी की जो होता है ना पात्र वैसे दिया गया है चांदी के सिक्के पर। तो यही तो होता है कि भाई बहन का प्यार, कितना भी बुढ़ी हो जाए हम लेकिन भाई के लिए झलक एक तरस के लिए हम घर में दुबक कर रह जाते हैं, कहीं कहीं फ्री नहीं लोग होते हैं तो नहीं जा पाते हैं, नहीं तो किसी किसी के हस्बैंड या परिवार परमिशन देता तो जाके मायके में लड़के